आई आईज वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड जैसे कि काफ़ी टाइम से हम सभी लोग वेट कर रहे थे कि एस एस सी एम टी एस का जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट किया जाएगा सो so, फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है आप देख सकते हो स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के थ्रू एक ये नोटिस रिलीज किया गया है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि कुछ एग्जाम्स जो अभी बाकी पड़े हुए थे काफ़ी टाइम से जिसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसकी डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं इसमें आप देख सकते हैं कि 2019 का भी पेपर है 2020 का भी पेपर है और आपके 2019 के जो स्टेनो वाला पेपर था ग्रेड सी और ग्रेड डी का इसकी भी जो नोटिस है उसको भी रिलीज कर दिया गया है तो पहला काम तो वीडियो के लिंक को एक बार ऐसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जिनको अभी तक नहीं पता चला है कि एम की डेट आ गई है तो आपको बता दें फाइनली एम की डेट आ चुकी है तो एक बार से मज़े से रिलैक्स हो जाना क्योंकि आप भी जानते हो कि ये एग्जाम्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं अच्छा एग्जाम की डेट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ आप में से बहुत सारे बच्चों के अब दिमाग में एक सवाल चलना शुरू होगा कि मैम अब कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है तो पहली चीज तो ये समझिएगा कि ये जो एग्ज़ाम की आप डेट देख रहे हो ये सेप्टेम्बर और अक्टूबर की है यानी कि पेपर जो है वो आपका सितंबर अक्टूबर में होगा तो सबसे पहली चीज जिस पेपर के अंदर आपका करंट अफेयर्स आता है आपने अभी एस का पेपर देखा कि दो दिन पुराना करेंट अफेयर्स भी पूछा गया है तो बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को लाइटली मत लीजिएगा करेंट अफेयर्स कम से कम आपको दो साल का मालूम होना ही चाहिए इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है आपको पता होना ही चाहिए मतलब होना ही चाहिए सेकेंडली जब आप यहाँ पे तैयारी करोगे करंट अफेयर्स का रिवीजन करोगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ करंट अफेयर्स के रिवीजन के टाइम पर आप जब पढ़ोगे अवॉर्ड्स स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इनके बारे में कम से कम तीन साल का आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज जो एसएससी का पेपर हुआ था उसमें 2018 का करेंट अफेयर्स पूछा गया था फॉर एग्जाम्पल कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे तो ये तो यह नॉर्मल सी बात है हमें मालूम होना चाहिए अच्छा दूसरा क्या फोकस करना है दूसरा आपको फोकस करना है जितने भी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होते जा रहे हैं या फिर अभी आपने देखा पूरा पूरा कैबिनेट चेंज हो गया है तो कैबिनेट मिनिस्टर में कौन कहां अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए तो ये तो मैंने आपको बोला करेंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव से बट वॉट अबाउट जीएस मैम जीएस में क्या पढ़ के जाएंगे क्योंकि एम में तो जीएस आती है तो एम के परस्पेक्टिव से जब आप जीएस पढ़ने की बात करोगे तो ये ध्यान रखना जीएस के सेक्शन में आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपका पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा साइंस में से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली आप कहोगे मैम साइंस भी तो आएगी बट इस बार अभी एसएससी के अंदर साइंस का सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है सात से आठ क्वेश्चन कम से कम इन्होंने करंट अफेयर्स के ही पूछे हुए हैं तो आप ये एक लेवल बना के चलो कि बेसिक साइंस पूछी जाएगी लेकिन जो आपसे क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा अप कर सकता है वो क्या होगा वो आपका यहाँ पे कौन सा रहेगा परफेक्टली ये ध्यान रखना पॉलिटी जोग्राफी और हिस्ट्री आपकी नैया पार लगाएगा ओके okay, अब आपको डेट्स के बारे में बता देते हैं तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 का जो स्किल टेस्ट होना था वो होगा 15 सितंबर और 16 सितंबर को 21 की बात हो रही है 22 की बात नहीं हो रही थोड़ा ध्यान दीजिएगा दूसरा जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2020 जिसका पेपर टू होना बाकी था ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा 26 नौ को कब 26 नौ को अच्छा अगला है आपका एम टी एस जो आप लोगों का फेवरेट काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत सारे बच्चों ने इसका फॉर्म फिलअप किया था एंड देवर ईगरली वेटिंग कि मैम ये पेपर कब होगा तो फाइनली इसका पेपर वन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा पांच अक्टूबर से लेकर बीस अक्टूबर के बीच में अच्छा खासा सफिशेंट टाइम है आपके पास में अब कोई भी मॉक टेस्ट मिस मत करना अब कोई भी आपका जो स्पेशल क्लास होगा उसको मिस मत करना स्पेशली जो क्लासेस हम आपके लिए शेड्यूल करते हैं वो आप भी जानते हो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तो थोड़ा सा आधे घंटे का समय मॉक टेस्ट को ज़रूर से दीजिएगा जो क्लास मैं आपकी दो बजे लेती हूँ टाइम ज़रूर निकाल लेना मैं इसके लिए टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब ऐसा नहीं है कि ओ अच्छा ऐसा है कुछ नहीं दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोग दो बजे का जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट वीक से देना स्टार्ट करिएगा ताकि आपका रिविजन होता चलेगा ठीक है स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड सी और ग्रेड डी का एग्जामिनेशन होना है इसका स्किल टेस्ट है ये भी कब होगा ये भी इक्कीस और बाईस तारीख को कंडक्ट किया जाएगा तो ये पूरा सिनारियो है क्योंकि इन सारे पेपर्स को अभी पोस्टपोन कर दिया गया था रीज़न वही है कोरोना वायरस इसके अलावा अब ये सारे शेड्यूल हो गए तो आप जानते हो कि जो एम टी एस अब हो ही रहा है रेलवे का सारा पेपर खत्म हो ही गया सेवन फेज खत्म हो गए एस एस सी चल ही रहा है अब देखो कोई पेपर मैंने कहा था कि जो भी पेपर अब बचे हुए हैं आज बी का पेपर भी हो गया जितने पेपर बचे हुए थे सारे के सारे शेड्यूल हो गए सो नाउ व्हाट नाव बी सीरियस फॉर योर स्टडीज़ क्योंकि अगर अभी आपने पढ़ाई नहीं करी अभी अगर आपने चीज़ों को यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया तो शायद ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे